हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, मैंने दो पोस्ट किए थे, उस पोस्ट में दो क्वेश्चन पूछे थे। दो क्वेश्चन वो ये थे, तो इनकी सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो और ये क्वेश्चन किस पे थे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो था वो था 110 जूल ऑफ हीट इज एडिड, 110 जूल ऑफ हीट इज एडिड टू अ गैसी सिस्टम, यानी किसी गैसी सिस्टम को हमने 110 जूल हीट क्या करवाई है, प्रोवाइड करवाई है या सप्लाई करवाई है। तो हुज इंटरनल एनर्जी इज 40 जूल, तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो कितनी है? 40 जूल। तो देन द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन, तो वर्क डन पूछा गया है सिस्टम द्वारा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता क्या है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है, अगर आप किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करवाते हो तो वो सिस्टम दो काम कर सकता है। सबसे पहला काम, या तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकता है, या दूसरा काम वो कोई वर्क परफॉर्म कर सकता है। बात क्लियर हो गई? तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब एग्जांपल सुनिए, जब क्लियर समझ में आ जाएगा आपका। कहने का मतलब हम अपनी बात ले लेते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो आप खाने को मान के चलिए कि हीट सप्लाई की जा रही है, ठीक है। अब मैंने खाना खाया तो मैं दो काम कर सकता हूँ। सबसे पहले इंटरनल एनर्जी को मैं अपनी बढ़ा सकता हूँ, और उसके बाद मैं वर्क परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ये दो काम हो गए, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आप थके हुए होते हो, खाना खाते हो, आराम करते हो, तो उस टाइम मतलब आप अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहे हो, और उसके बाद आप वर्क परफॉर्म करोगे। तो सिर्फ ये बात ध्यान रखना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, कि ये होता है कि अगर किसी सिस्टम को हीट सप्लाई की जाती है तो वो क्या दो काम करेगा, या तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा या उससे वर्क परफॉर्म करेगा। तो इस बेस पे देखिए, अब कहने का मतलब ये है, अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िए कि 110 जूल ऑफ हीट इज एडिड, यानी हीट सिस्टम को हीट सप्लाई की जा रही है, ठीक है। तो गैसी सिस्टम है तो कितनी हीट सप्लाई की जा रही है? 110। अब एक बात और, उसके फॉर्मूले को हम बता देते हैं। तो डेल्टा क्यू क्या होता है? डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू क्या है यहाँ पर? तो डेल्टा क्यू है यहाँ हमारा हीट सप्लाई। बात क्लियर हो गई? यानी हमने इतनी हीट सप्लाई की है किसी सिस्टम को, अब वो इससे क्या करेगा? या तो वो अपना इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू, ठीक है, इसको इंक्रीज करेगा, या वो क्या करेगा? वर्क परफॉर्म करेगा। तो ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो डायनेमिक्स। बात क्लियर हो गई? अब क्वेश्चन को पढ़िए, 110 जूल ऑफ हीट इज एडिड टू अ गैसी सिस्टम। गैसी सिस्टम एक सिस्टम है, ठीक है, 110 जूल हमने उसे हीट प्रोवाइड कराई है, यानी सप्लाई कराई है। सो हीट कितनी सप्लाई है? 110 जूल। बात क्लियर? अब इंटरनल एनर्जी, हूज इंटरनल एनर्जी इज 40 जूल, तो 40 इन्होंने हमें दे दिया है इंटरनल एनर्जी। प्लस उसके बाद क्या पूछा है? उसमें आपसे पूछा गया है द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन, कि उसने वर्क सिस्टम जो है उसके द्वारा वर्क कितना हुआ। तो सिस्टम के द्वारा वर्क, फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो आराम से करोगे, तो वर्क डन निकाल लीजिए, ठीक है, 110 माइनस 40, तो वर्क डन कितना हुआ? 70 जूल। तो ये आपका आंसर होता है पहले क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। थर्मोडायनामिक्स समझ में आ गया, फर्स्ट लॉ क्या होता है ये समझ में आ गया। फिर भी अगर कोई टेंशन परेशानी की बात है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आप खुद करके देखिएगा, वीडियो को पॉज करें, अगर वीडियो पे आप डायरेक्ट वीडियो पे आए हो, पोस्ट पर आपने आंसर नहीं दिया हो तो आप पॉज करें और क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, तो आराम से हो जाएगा। अब देखिए कि इफ वी हैड अ सिस्टम ऑन विच 10 जूल ऑफ वर्क डन, वर्क डन कितना होता है सिस्टम के द्वारा? 10 जूल, 10 जूल का वर्क डन होता है। एंड द इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम, यानी इंटरनल एनर्जी हमें दे दी कितनी? 3.5 जूल, 3.5 जूल है। बात क्लियर? तो इन दिस केस द अमाउंट ऑफ हीट, हीट की बात कर रहा है, तो लॉस और गेन बाय द सिस्टम विल बी, तो कितना होगा? तो हमें पता है, अभी अभी हमने पढ़ा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो आप जानते हो। बात क्लियर हो गई? ये हो गई। तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है
द हीट लॉस गेन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन कितना हुआ, तो ये तो हमारा पता है हीट होती है, तो इंटरनल एनर्जी हमें नहीं दी, इन्होंने दी है मुझे 3.5 प्लस वर्क डन कितना हुआ था सिस्टम के द्वारा वर्क डन, तो वर्क डन हुआ था 10 जूल का, तो ये हो जाता है आपका 13.5 जूल। 13.5 जूल यानी आप देखिए 13.5 जूल ये रहा। बात क्लियर हो गई। अब इसमें एक बात और ध्यान दीजिए कि लॉस और गेन भी लिखा है, लॉस और गेन का मतलब है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। इसमें एक ही ऑप्शन दिया है वो भी पॉजिटिव का, चाहे तो वो नेगेटिव यानी माइनस का साइन लगाकर भी इसको दे सकता था, फिर आपको बताना था कि प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। देखिए ऐसा तब होता है अगर सिस्टम द्वारा वर्क किया जा रहा है, सिस्टम द्वारा वर्क किया जा रहा है तो उस कंडीशन में आपका पॉजिटिव साइन आएगा आंसर में। बात क्लियर हो गई। अगर सिस्टम पर वर्क हो रहा है तो उस कंडीशन में आपका माइनस साइन आएगा, ये बात ध्यान रखना हमेशा। बात क्लियर हो गई। तो दोस्तों कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। बात क्लियर है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर पहली बार चैनल पर आई हूं तो।